Hey guys, welcome back to Homebrew India. तो जैसा कि आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इस सीरीज पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं और इंटरेस्ट शो कर रहे हैं. तो ये गाइज आज अराउंड फोर्थ ये फिफ्थ वीडियो होनी चाहिए इस सीरीज की. और लास्ट वीडियो में अपन ने इसमें थोड़ा सा अपन इसको वाटर इसमें ऐड कर लिया था देखने के लिए कि अगर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी रिड्यूस होती है क्या. तो गाइज आज इसको अराउंड हो चुके हैं 5 to 6 days और उस वीडियो से. नो आई थिंक 7 days हो चुके हैं. लास्ट सैटरडे को मैंने शूट किया था, आज भी सैटरडे है. तो मैं ये जैसे देख सकता हूँ कि इसमें ये लेयर अलग से थोड़ी सेपरेट हो गई है. यहाँ पे नीचे थोड़ा सा सेडिमेंट स्किन्स रह गई, ऊपर जूस आ गया है. एंड आई एम श्योर अभी इसको जब मैं बाहर से लाया था यहाँ अंदर जहाँ पे मैं इसको फर्मेंटिंग के लिए रखता हूँ वहाँ से जब स्टूडियो में लाया था तो इससे ज़्यादा ही जूस का स्पेस था. वो थोड़ा सा मूवमेंट में उसका सेडिमेंट हिल गया है. इसको मैं थोड़ी देर छोड़ूंगा और तो ये और थोड़ा नीचे चल जाएगा. बट आज अपन इसको स्ट्रेन ऑफ कर लेंगे और स्ट्रेन ऑफ करने के बाद ही मैं इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करूंगा क्योंकि आई थिंक इसको काफ़ी दिन हो चुके हैं कॉन्टैक्ट हुए हुए स्किन्स के साथ, स्टेम्स के साथ. अब जितना उनका टैनिन आना था अराउंड 14-15 days से भी ऊपर हो चुका है. तो जितना भी टैनिन आना था 20 days हो चुके हैं, टैनिन आ चुका है. तो इसको मैं स्ट्रेन कर लूँगा. स्ट्रेन करने के लिए मैं क्या करूँगा कि दूसरी बकेट लूँगा, फर्मेंटर सैनिटाइज बकेट, सैनिटाइजेशन इम्पॉर्टेंट है. उसमें इसको मैं क्लियर करूँगा एक स्ट्रेनर की मदद से या फिर एक मसलिन क्लॉथ को सैनिटाइज करके स्ट्रेनर के ऊपर बिछा के. देन मैं इसको सब क्लियर कर लूँगा, इसकी स्किन हटा दूंगा, इसके सारी स्टेम्स हटा दूंगा. और अब मैं ये चीज़ मेरे को करनी पड़ेगी बाहर क्योंकि स्टूडियो हो जाएगा गंदा. और ये चीज़ अब मैं क्लियर ऑफ करने के बाद आपको मिलूंगा जब ये पूरा हो जाएगा ट्रांसप्लांट, स्टेम्स और इसमें से स्किन हट जाएंगी. तो गाइस इसको मैंने 15 लीटर वाली बकेट में एंटी कर लिया है. आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी पल्प निकल चुका है. इस पल्प को निकालने के लिए मैंने यूज़ नॉर्मल किया था स्ट्रेनर और एक ये मैश सीव, ठीक है. तो अब मैं इसके ऊपर ग्रेविटी ले लूँगा और ग्रेविटी लेने से पहले एक बार उसको सैनिटाइज कर रहा हूँ उसको. तो गाइस स्पून सैनिटाइज हो चुकी है और अब एक बार मैं इसकी ग्रेविटी चेक कर लूँगा इसकी क्या ग्रेविटी आई है. अभी ये थोड़ा सा बहुत क्लाउडी सा है, जस्ट इसको भी अपन ने सेपरेट किया, हो सकता है इसलिए भी थोड़ा सा हो. इसको मैं 4 to 5 days ऐसे छोड़ूंगा और 4 to 5 days बाद मैं देखूंगा अगर मेरे को लगा कि इसकी ग्रेविटी थोड़ी सी अगर इसकी थोड़ी क्लियर थोड़ी सी ये हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन इसमें पेक्टिक एंजाइम डालेंगे जिससे कि ये और थोड़ा क्लियर हो. तो इसकी ग्रेविटी जितना मैं देख सकता हूँ कम तो हुई है. अब एग्जैक्टली कितनी आई है वो मैं देखता हूँ. अराउंड 1.031-1.032 के अराउंड आई है. अपना एक्सपेक्टेड थी 1.040. इसका मतलब कि इसकी शुगर्स हैं इसमें अभी भी. सेकेंडली अगर अभी अपन चाहें, मतलब इसमें अभी भी मेरा मतलब शुगर्स से ये है कि शुगर्स तो है ही, इसमें अल्कोहल प्रोड्यूस होने की कैपेसिटी भी है क्योंकि जैसा अपन ने इसको डाइल्यूट किया था तो अल्कोहल परसेंटेज कम हो गया तो प्रॉबेबली यीस्ट वापस एक्टिव हो गया होगा, वो ही रहा होगा इसमें. अब इसमें अपन चाहें तो इसको और ड्राई करने के लिए थोड़ी सी और क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं बट मैं अभी वैसा नहीं करने वाला. इसको मैं क्लियर कर दूंगा बिकॉज मैं पर्सनली 1.025 के बाद से लेके 1.033 तक की जो रहती है वाइन वो मेरे को कंज्यूम करने में अच्छा लगता है, थोड़ी सी स्वीट रहे नेचुरली तो ज़्यादा अच्छी बात है. अब इसको मैं इसमें एम्प्टी करके 4 to 5 days छोड़ दूंगा. उन 4 to 5 days में दो काम होंगे, इसको जितना क्लियर होना होगा थोड़ा बहुत क्लियर होना शुरू हो जाएगा और जो रिमेनिंग अगर कुछ फर्मेंटेशन इसमें होनी होगी तो वो भी हो जाएगी. उसके बाद अपन इसको नॉर्मल बॉटल कर देंगे. तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही. इसको मैं कवर कर दूंगा, सैनिटाइज लिड लगा दूंगा. लिड लगाने के बाद इसमें एयरलॉक लगा के अगेन इसको मैं 4 to 5 days के लिए छोड़ दूंगा. इस बार अपन छोड़ रहे हैं क्लियर होने के लिए.